दरअसल रात 11:15 पर मुझे वसीम खान मेयो अस्पताल से फोन आया कि मेयो के गेट पर एक व्यक्ति को गार्ड पूरी तरह से मारकर जख्मी कर रहा है। दरअसल ये घटना क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। जिसके बाद प्रशांत उर्फ आनंद बेहोश मेयो गेट के बाहर पड़ा था। वसीम खान तुरंत मेयो अस्पताल पहुंचे तो आनंद को बेहोश पाया। काफी आवाज देने के बाद भी उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो पूरे गार्ड आए और उस गार्ड की तरफ से माफी मांगने की बात कही। वसीम खान ने कहा कि अभी कोई आम आदमी पर वार करता तो आप उस पर FIR दर्ज करवाते। बाकी लोगों से पूछताछ में खान को पता चला कि क्या हुआ और वहां मौजूद फहीम ने गेट से दौड़कर पहले गार्ड के सुपरवाइजर को बताया और ई रिक्शा में डालकर मेयो अस्पताल में एडमिट किया। खान को फहीम ने पूरी बात बताई और गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए कहा। पहले वो लोग मेयो की चौकी गए और MLC करवाए, वहां से उन्हें तहसील जाकर FIR दर्ज करने को कहा। वसीम खान, फहीम व 2-4 साथियों के साथ गांधीबाग तहसील रात 12 बजे पहुंचे। थाने में ड्यूटी ऑफिसर राउंड पर थे। आधा घंटा इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया तो ड्यूटी ऑफिसर PSI किलेदार को फोन लगाया गया और वारदात बताई तो उन्होंने मेयो आने की बात कही तो वो सारे लोग मेयो अस्पताल वापस चले गए। जब तक हाजी वाजिद जिसके पास आनंद काम करता था वो भी 15-20 साथियों के साथ मेयो पहुंच गए और खान को बताया कि आनंद पैदाइशी एक हाथ और पैर से हैंडीकैप है। रात के 1 बजे करीब पुलिस मेयो पहुंची और उनके साथ आनंद के पास गए तो पाया कि आनंद मेयो की कैजुअलिटी में बेड से नीचे गिरा हुआ है और सलाइन के पाइप से उसका खून बह रहा है। इस हालत में देख पुलिसकर्मियों ने वहां के CMO को बुलाया और कहा कि ये कैसी हालत में पड़ा हुआ है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। CMO कार्ड की तरफ से बात करने लगा और आनंद के बारे में कहा कि ये शराब पीता है। इस पर आनंद के साथी बोले कि वो कभी भी शराब नहीं पीता और अभी भी नहीं पिया है। आनंद को साथियों की मदद से बेड पर डाला गया और उपचार शुरू हुआ। PSI ने सभी को तहसील पहुंचने कहा और फिर वहां 2 बजे तक रुकने पर कोई नहीं आया। फिर वापस मेयो अस्पताल पहुंचकर पुलिस को कॉल किया गया तो उन्होंने मेयो से इंजुरी रिपोर्ट लाने की बात कही। CMO से इंजुरी रिपोर्ट मांगने पर वो टालमटोल जवाब देने लगे। आनंद की हालत खराब हो रही थी, वो दर्द से तड़प रहा था। उसके इलाज के लिए कुछ लोग वहां रुके और कुछ लोग फिर थाना गए, तब भी PSI किलेदार थाना नहीं पहुंचे। 3 बज गए उतनी देर में, वही गार्ड जिसने गरीब को मारा अपने सुपरवाइजर के साथ CMO के बोलने पर आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गया। वसीम खान ने PSI को वापस फोन किया और बताया कि उन्हें पिछले 3 घंटे से घुमाया जा रहा है, शिकायत दर्ज नहीं की गई है और अगर शिकायत नहीं ली गई तो कल आंदोलन किया जाएगा। और अब जो गार्ड आरोपी है वो खुद कंप्लेंट लिखवाने आ गया है जो जभी से गायब था। स्थिति खराब होते देख PSI आए और कंप्लेंट लिखना शुरू की। फहीम ने पूरी वारदात बताई और लिखवाया। PSI ने खान से कहा कि अभी मामला दर्ज कर रहे हैं, इंजुरी रिपोर्ट आने के बाद और कलम बढ़ाई जाएगी, साथ ही उनकी भी गार्ड रिपोर्ट ली जाएगी और इस पर विचार करने की बात कही। जिसके बाद खान और उनके सारे साथी भड़क गए, जिसको मारा उस पर झूठा केस दर्ज कर रहे हैं, गार्ड कहने लगे। उन लोगों को डरा कर कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बनाने लगे। नहीं मानने के बाद सुबह 5 बजे FIR दर्ज हुई और FIR कॉपी दी गई। गार्ड पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी इंजुरी रिपोर्ट और आनंद का बयान बाकी है, ऐसी जानकारी वसीम खान द्वारा दी गई है। दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन तहसील आया हूँ। पुलिस स्टेशन तहसील आने का रीज़न ये है कि मेयो हॉस्पिटल में एक आनंद बावनकुड़े नामक व्यक्ति जो कि इलाज के लिए गया था, कुछ उसके तबीयत खराब थी या क्या कुछ तो भी था उसको, उसके लिए गया था तो जाने में उसकी कुछ गार्ड से, जो गेट पे गार्ड रहता है उसका नाम पवार है, मैंने पता लगाया उस सोर्सेस से, पवार नाम का गार्ड है, उससे कुछ उसकी हुई तू मैं उसको कुछ बोला हूँ इधर से जा, तो वो गार्ड ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अभी उसको 11 बजे का इंसिडेंट है, ये 11 बजे उसको मारा है और 11 बजे से उसको हॉस्पिटल मेवा में रखे कैजुअलिटी में। लड़का शॉक में चला गया है, वो होश में ही नहीं है लड़का। और गार्ड लोग क्लेम कर रहे थे उसने दारू पिया, लेकिन मैंने डॉक्टर से और बाकी उसके साथ के जो और भी उसके लिए आए जिनको पता चला कि उसको मार पड़ी, उनसे पता लगाया तो दारू कभी नहीं पीता और अभी भी दारू पीकर नहीं है। और मैंने खुद पर्सनली गया, मैंने उसको जोर जोर कर चिल्लाया, आनंद आनंद कर क्या हुआ, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है और उसकी हालत गंभीर है। और वहाँ के जो गेट का गार्ड था, वहाँ के सुपरवाइजर से मेरी बात हुई, सुपरवाइजर लोग बोल रहे थे कि माफ़ी मांग लेंगे ये, लेकिन ये हर बार का हो गया है। डीन साहब को मैंने इसके पहले कंप्लेन करा था, मेवा के डीन को डॉक्टर बिजवे को इसके पहले भी गार्ड की कंप्लेन कर चुका हूँ 2 बार, लेकिन कोई सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अभी इसको बुरी तरीके से मारे हैं, मैंने मेवा के वहाँ स्टेशन पर जाकर बोला तो उनने मुझे बोला गांधीबाग तहसील में इसकी FIR दर्ज करो,
फिर हमारे पास आओ। तो अभी मैं FIR दर्ज करने आया हूँ और यहाँ पे सांप राउंड पे गए हैं, तो मैं भी ठहरा हूँ और उस गार्ड के खिलाफ मैं FIR दर्ज कर रहा हूँ। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।